चिलिका सत पड़ जाउ छी मास पेन ले सीधा जे पळैबा छकडी की छकर पछि छिड़ पछि देबे छी नुवार आपन से नुवार रास्ता चोर है जे गाड़ी चली हबो गाड़ी जाई हबो इंडियन ट्रैवल डायरीज ओडिशा के इस एपिसोड में मैं आपको अपने साथ लेके जा रही हूँ मंगला जोड़ी विच इज नोन एज वन ऑफ द बर्ड्स पैराडाइज इन एशिया। बहुत ही सुंदर सुंदर माइग्रेटरी बर्ड्स वहाँ पे आते हैं एंड इट इज बेसिकली अ वेट लैंड। तो चलिए हमारे साथ, सुबह सुबह हम पुरी से निकले हैं एंड अभी ऑन वे है। रास्ता बहुत खूबसूरत है, सीनिक ब्यूटी यहाँ का बहुत अच्छा लग रहा है मुझे एंड नाउ वी आर हेडेड टुवर्ड्स मंगला जोड़ी। स्टे विद अस। ओडिशा के खोरदा डिस्ट्रिक्ट का एक छोटा सा गांव है मंगला जोड़ी, जहाँ के वेटलैंड्स सर्दियों में घर बन जाते हैं हजारों माइग्रेटरी बर्ड्स के। मंगला जोड़ी पहुँचना काफ़ी आसान है। भुवनेश्वर से नेशनल हाईवे 16 आपको सीधे ले जाएगा टांगी। टांगी उतर के आप टैक्सी या ऑटो रिक्शा से जा सकते हैं मंगला जोड़ी। टांगी में काफ़ी सारे होमस्टेज हैं जहां आप नाइट स्टे भी कर सकते हैं। मंगला जोड़ी भुवनेश्वर से करीबन 76 किलोमीटर्स की दूरी पे है और पुरी से 72 किलोमीटर्स। कालूपाड़ा घाट रेलवे स्टेशन इज द नियरेस्ट रेलवे स्टेशन टू मंगला जोड़ी। मंगला जोड़ी पहुँच चुके हैं। बोट बुकिंग है 1200 रुपीस का। बोट लेंगे और फिर जाएंगे बर्ड वॉचिंग के लिए। अब जा रहे बोट राइड के लिए और बोटिंग करते करते बर्ड्स देखेंगे और आपको दिखाएंगे।
तो ये था मंगलाजोरी में बोट राइड बर्डिंग करते करते, बहुत ही बढ़िया एक्सपीरियंस है, अ लिटिल डिफरेंट फ्रॉम व्हाट यू यूजुअली सी वाइल्ड इन पुरी। तो आई थिंक मुझे तो बहुत अच्छा लगा, आप आओ, ऑफ बीट है, आपको भी अच्छा लगेगा। बट अगेन वही सेम रिक्वेस्ट जो मैं ऑफ बीट जगहों के लिए करती हूँ, गंदा मत करना इस जगहों को, कुछ फेंकना मत पानी में, बर्ड्स को फीड करने की कोशिश मत करना, जस्ट एन्जॉय दी एरिया, एन्जॉय दी बोट राइड, बर्ड्स के फोटोज़ लो, देखो वो कैसे हारमोनी में एक दूसरे के साथ रहते हैं, दैट्स इट, एन्जॉय दी प्लेस। और ये है अशोक साहू जी जिन्होंने हमें गाइड किया यहाँ पे मंगलाजोरी में। अशोक साहू जी, अगर आपके साथ कोई कांटेक्ट करके आप आना चाहे तो किस तरह से कांटेक्ट कर सकते हैं, कोई उपाय? मोबाइल नंबर से मेरा व्हाट्सएप नंबर है। अच्छा, क्या नंबर है आपका, नंबर बता दीजिए सबको पता चल जाएगा। 833-805-8885 ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है। ओके ओके, ठीक है, आप कांटेक्ट करके आ सकते हो। बहुत मतलब बढ़िया से इन्होंने घुमाया, बहुत अच्छी अच्छी जगहों से, इनको पता होता है एक्चुअली कि कहाँ पे नेस्टिंग हो रखी है, कहाँ पे कौन से बर्ड्स मिलेंगे, उसके हिसाब से आपको दिखा देते हैं। थैंक यू सो मच। तो मंगलाजोरी से निकल के हम जा रहे हैं चिल्का के मोहना वाले साइड में, जो चिल्का और सी का, बे ऑफ बंगाल का मोहना है उस साइड में, वो उस जगह का नाम है चौतोपोडो। तो हमने अभी नेविगेट किया हुआ है और गूगल मैप से हमें बता रहा है कि वहाँ पे पहुँचने में हमें 2 घंटा 50 मिनट लगेगा और हम करीबन 3:30 बजे वहाँ पे पहुँचेंगे। वहाँ पे जाके भी बोटिंग करने का मन है, देखते हैं कहाँ तक क्या हो पाता है, एंड देन वहाँ से हम वापस जाएंगे पूरी। चिलिका लेक का शतपदो इलाका जहां आप बोटिंग कर सकते हैं पुरी से केवल 50 किलोमीटर की दूरी पे है और भुवनेश्वर से 100 किलोमीटर। नियरेस्ट एयरपोर्ट इज एट भुवनेश्वर एंड यू कैन आल्सो रीच चिलिका डायरेक्टली बाय ट्रेन ऑफ द साउथ ईस्टर्न रेलवे लाइन, स्टेशंस बीइंग एट बालूगांव, चिलिका एंड रंभा। शतपदो जबरदस्त चिलिका, चिलिका, शतपदो, हाँ, पूरा राइड पूरी, ए रास्ता सोजा पूरी, अच्छा, ए गाड़ी जाबे, हाँ, चौड़ा रास्ता चौड़ा, मेन रोड, आदमी वाले पड़ियो, छकोटे छको जी छकोटे बजा दो, हेवी कोई दे, अच्छा, कोतो दूर मेन रोड, दूर, चिलिका शतपदो जब ची, सीधा तो पड़ाइबा छकड़ी की छकड़ पछि पछि देबे छिटे नुवार आपन से नुवार रास्ता चौड़ है, गाड़ी चली हबो, गाड़ी जाई हबो। चिलिका लेक दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा खारे पानी का झील है एंड इंडियाज लार्जेस्ट कोस्टल लगून। पहुंच गए हैं हम चिल्का लेक में, चिलिका लेक में, जहाँ पे हमको बोटिंग करना है। हाँ यहाँ पे है ना, चलो अभी सिर्फ यही वाला हो सकता है, सी माउथ रेड क्रैब जो कि 1.5 घंटे का है, 2550 का। चिलिका पहुंच के हमने टिकट लिया, हमारे पास सिर्फ 1.5 घंटा ही है, वही वाला हमें लेना पड़ा, वही ऑप्शन था हमारे पास अवेलेबल। तो हम अभी जा रहे हैं चिलिका में बोटिंग के लिए, मोहना तक जाएंगे जहाँ से पानी अंदर आता है, समुंदर का पानी चिलिका लेक में अंदर आता है, वहाँ तक अभी जाने वाले।
चिलिका लेक इज होम टू द एंडेंजर्ड डॉल्फिन स्पीशीज नोन एज द इरावडी डॉल्फिन। आप चिलिका में पूरा एक दिन भी बिता सकते हैं, डॉल्फिन वॉचिंग बोट राइड्स एंजॉय कर सकते हैं, समुंदर में नहा सकते हैं और डिलीशियस सी फूड खा सकते हैं। मोहना तक बोट नहीं जाता है, काफ़ी पहले आपको उतारा जाता है एंड यू नीड टू वॉक टिल दी मोहना। लास्ट टाइम जब हम आए थे 2012 में, तब ऐसे ही आए थे, ऐसा ही किया था हमने। इस बारी शाम हो गया है तो हमने बोट जो है ना हमें थोड़ा सा पहले ही उतारा है। जो आइलैंड है, मोहना वाला आइलैंड है, उसी पे थोड़ा पहले ही उतारा है और यहाँ से पाथवे बना हुआ है बीच तक जाने का, तो हम उधर ही जा रहे हैं अभी। बे ऑफ बंगाल मेरे साइड में, चिलिका लेक में बोटिंग करना, स्पेशली अगर आप इवनिंग के टाइम में, आफ्टरनून से इवनिंग के टाइम में करते हो तो बहुत सुंदर लगता है, बहुत मज़ा आता है। मोहना में हम नहीं जा पाए ऑब्वियसली, मोहना यहाँ से यू नो अबाउट 2-2.5 किलोमीटर दूर है तो वहाँ तक नहीं जा रहे, बट यहीं से समुंदर देख रहे हैं, आपको दिखा रहे हैं। एंड आई वुड से दैट आई एम so happy with the day spent today, first Mangala Jodi and then the boat ride in Chilika and the sea, amazing day, I mean I was so happy about it, I'm so happy about it. If you are coming to Chilika, time leke aana so that you know you can enjoy this, hamare paas time kam hai, humne boat ride bahut acche se enjoy kiya lekin beach mein time spend nahi kar sakte hai, koi baat nahi, humne pehle kiya hua hai, but agar aap aa rahe ho to definitely time leke aana।